सच कह रहा हूँ बेबी, तुम बड़ी हॉट लगती हो। मुझसे मिलने के लिए तुम हमेशा अवतार रहते हो। मन को कैसे समझाऊं? मेरे पापा से पिटना चाहते हो क्या? क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी? अभी तुम्हें मेरी काबिलियत का पता नहीं है। खुद की तारीफ बंद करो, सब जानती हूँ मैं। अच्छा ऐसा क्या? अरे मार क्यों रहे मुझे? अरे मार क्यों रहे? ₹6,000 कैश निकला है, एक सोने की चेन और एक आईफोन, यही है हमारी आज की कमाई। मोबाइल ऑन मत करना भाई, बाद में ऑनलाइन सेल कर देंगे। तुम्हें याद है भाई लोग, 3 महीने पहले तक हम लोग हर महीने 1,00,000 कमाते थे, लेकिन अब देखो वो भी कोई टाइम था, और आज हमने किसी अनजान बेचारे को लूटा और बैठ कर उसका माल गिन रहे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वायरस इतना खतरनाक होगा, ये लोगों की जान लेगा और हमें बेरोजगार बना देगा। जब कंपनी ने हमें US भेजा तो लगा कि हमारी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन इस धंधे के मंदी को देख के लगता है कि हमें अपने बारे में कुछ सोचना होगा। मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, और इसीलिए तो आज तक अप्लाई भी नहीं किया। इंजीनियरिंग करने से जॉब की कोई गारंटी नहीं मिलती है। तू मुझे सलाह दे रहा है, लेकिन नौकरी पाने से लाइफ सेट नहीं होती। ए, सूरी, अपने भाई को बोल चुप रहे। ए, ओवर खत्म होते ही बॉलर बदल जाता है, इसीलिए गेम बदल गया है। ए, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? ए, बंद करो अपनी बकवास। सूरी, अब नेक्स्ट प्लान क्या है? कब तक खर्चा चलाने के लिए तू लोगों को लूटता रहेगा? अरे छोटे हाथ मारने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मैंने और सूरी ने एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? किडनैप। किडनैप? ये क्या कोई नौटंकी चल रही है अजय? पहले चोरी और अब किडनैपिंग? क्या रे सूरी, इसने जो कुछ भी बोला है वो सही बोला है। क्या कहा? सही है? तेरा दिमाग घास चरने गया है क्या? वो तो पागल है ही, तुझ पर भी उसका असर हो रहा है क्या? हाँ, अरे किसको पागल बोला तू? ए! क्या रे? ए! जॉब करते समय हमने अपनी जरूरतों के लिए बहुत सारा लोन लिया हुआ था, पता है ना? हाई फाई लाइफस्टाइल के मजे लेने से हमारे ऊपर बहुत सारा EMI का बोझ है, साथ ही ऐसे करके हम लोग जरा भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, समझे? अभी के लिए फिलहाल हमारे पास कुछ भी काम नहीं है करने के लिए, फिर इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? क्या? फिरौती के लिए किडनैपिंग का प्लान बनाया? पुलिस ने पकड़ लिया ना तो आखिरी सांस तक मार पड़ेगी, समझा? रघु, अगर आती जाती पब्लिक को लूटते हुए हम पकड़े गए ना, तो क्या सरकार हमें अवार्ड देगी? पर पकड़े जाएंगे ना तो डंडे पड़ेंगे, डंडे। ए, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जम रहा। अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली और उनकी जरूरत के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। हम सबके मामले भी ऐसे ही है, अगर हम शॉर्टकट नहीं लेते तो हम रेस कभी भी नहीं जीत पाएंगे। हम ये जरूर करेंगे, तैयार हो जाओ।